डिंडोरी थाना पुलिस ने 40 केजी गांजे के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा की सीमा में जांच के दौरान एक कार में गांजा बरामद हुआ है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि उड़ीसा से गांजे की खेप ले जाकर यूपी की तरफ जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। धमतरी में बीते एक सप्ताह में चौथी बार गांजे की तस्करी पकड़ी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।